गाइस वेलकम बैक। तो आज का वीडियो थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ है, रात को अराउंड अभी 7 बज गए हैं, 7 बज रहे हैं अभी। तो एक्चुअली सीन ये है कि जो मेरा एक फ्रेंड है, मेरा काफ़ी पुराना दोस्त है वो, तो उससे कॉलेज लगे हुए हैं पुणे में, और उसका फर्स्ट ईयर है वो, मतलब कि पहली बार अपना कॉलेज अटेंड करने जा रहा है। और जाना तो काफ़ी पहले था उसने, बट फिर कोविड के चक्कर में थोड़ा जो डिले हो गया था। और बट पुणे पढ़ता है वो, डीवाई पाटिल के किसी कॉलेज में पढ़ता है। तो आई थिंक 11 तारीख से उसे कॉलेज लग चुके थे, तो वो अब जा रहा है। तो आज उसने बोला कि हम सब मिल लेते हैं, जो भी 3 4 हम अपने 5 अपने जो दोस्त वोस्त हैं वो सब मिल लेते हैं, और कहीं थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेते हैं, क्योंकि फिर कल उसकी सुबह फ़्लाइट है, अराउंड 10 11 बजे उसकी फ़्लाइट होगी सुबह यहाँ से पुणे की। तो आज हमारा लास्ट टाइम होगा, लास्ट टाइम इन द सेंस मतलब उसके बाद पता नहीं कब मिले। बोल रहा था कि वो फिर वो 5 6 6 महीने बाद आएगा, तो काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है, इसलिए बस वो भी आएगा, फिर हम कहीं चलते हैं, घूमने घूमने चलते हैं। फिर मतलब आज और कल का ये दोनों का व्लॉग जो होगा, दोनों जो होगा, मैं एक वीडियो में शूट कर लूँगा मैं। रिंगल 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 कौन सी लेनी यार बताओ। हेजलनट कर लो फिर दो। हेजलनट ये भी। सब लोग कॉफी का मजा लेते हुए, क्या पता ऋषभ के साथ ये इस साल की आखिरी होगी ये कॉफी, अगले साल ना, इस साल तो आखिरी है ये शायद, इस साल की आखिरी कॉफी जम्मू में। ये देखना यहाँ पे गालियाँ गालियाँ बकते हुए सब लोग। कुछ आखिरी पल ऋषभ ठाकुर के साथ वो देखना। आप ही कुछ टिप्पणी कैसा लग रहा है वो कल जाके वापस? वो तो कल जाके ही बताएंगे आपको। कौन सा कॉलेज है भी अपना बता दो सही, कहाँ पे कैसे क्यों जा रहा है, किसके लिए जा रहा है? किसी के लिए नहीं जा रहे, पढ़ाई करने जा रहे हैं। और क्या भाई कॉलेज तो खुले नहीं, कौन सी पढ़ाई होगी? कॉलेज तो नाम तो जाके थोड़ा देखेंगे ना, पढ़ाई तो नाम की है, डबल एक्सप्लोर, थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे ना पुणे सिटी। एक्सप्लोर क्या करना पुणे, मतलब कुछ स्पेशल कुछ सोचे गए हो या कुछ रिसर्च करी आपने उसके बारे में? आलू नावला जाएंगे, बाकी सब जगह जाएंगे। आईटी पार्क भी जाओगे आप? आईटी पार्क भी घूमेंगे। किस लिए जाओगे वहाँ पे? कुछ मैंने सुना होगी बकचोदी करना है। व्लॉग में ना, व्लॉग में ऐसे गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं करते जो तुमने सोच के रखा हुआ है ना, वो वैसा कुछ नहीं करने जा रहे। मैं तो सोचता पढ़ाई करेंगे तो वैसे वही करने जा रहे, वैसा वो नहीं करने, ऐसा नहीं करना। अभी नहीं गए थे घूमने, उसे घर चलते हैं। आज तो भाई सबसे मीट एंड ग्रीट होगा। मुझे मिस कर रहे थे ये, तेरे माथे बिंदी क्यों लगी? गंद नहीं खा करो ना। अभी वापस उन्होंने मुझे वापस घर ड्रॉप करा मेरे, तो ज़्यादा कुछ किया नहीं हमने, थोड़ा साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया, थोड़ी बातें वातें करी, कॉफ़ी पी ली, वो दिखा दिया आपको मैंने, फिर कॉफ़ी पी ली हमने। और दोस्त था जो मस्त नहीं आया था उससे घर गए थे, क्योंकि उससे भी मिलना ज़रूरी था, उसको भी लास्ट टाइम टाटा वगैरह कर रहा था ऋषभ। तो कल अब उसने एयरपोर्ट जाना है, तो उसको ड्रॉप करना जाएंगे एयरपोर्ट। तो कल सुबह उसकी मेरे को 12 ही बजे उसकी फ़्लाइट होगी, तो अराउंड 2 घंटे पहले पहुंचना होता है, इसलिए हम 11 बजे उसको ड्रॉप करने जाएंगे। अभी घर चलते हैं। तो निकल चुके हैं अभी हम, बस उसको ड्रॉप करना जाएंगे ऋषभ को एयरपोर्ट, फिर दिखाते हैं
उसके अब शायद पापा आ रहे हैं खाली, और जो ऋतिक होगा वो आएगा, उसके पापा ऋतिक, मैं और ऋषभ जाएंगे एयरपोर्ट, लास्ट बार मिलते हैं उससे ऋषभ से। फाइनली अराइव एट एयरपोर्ट। बिक्की खोलो, कुछ आखिरी पल अब जम्मू में। इसके साथ इसका एक और बंदा जा रहा है, दिखाते हैं आपको। और भाई इसको तो पहचानता होगा तू, तो सेहत का जा रखना भी ठीक है, स्टार्टअप बॉय बन गए ये, बढ़िया भाई साहब। फाइनली गुड बाय। मीटिंग ली, ओके ब्रो। एक लोता बचा घर पे अभी अब होगा दंगल है। मिलते हैं फिर वहां पे लगा के। खुश हो रहे हो, दुख हो रहा है? सर बहुत खुश हैं हम। क्या आपका भाई चले गया? अब एक लोते आप, अब घर का मालिक मैं हूं। रहे हैं दोपहर के एक, जो कि होता है लंच करने का टाइम। लंच तो मैंने कर लिया 1 बजे, बट अब मैं अपना जो मेरी प्री वर्कआउट मील होगी वो मैं अभी से ही प्रिपेयर करके रख लेता हूँ। मैं दिखाता हूँ मैं क्या ले रहा हूँ आज। ओट्स 100 ml मिल्क, अब इसमें थोड़ा मतलब इसको फ्लेवर के लिए ये मैंने अब 4 खजूर ये भी मैं इसके अंदर डालूंगा छोटे छोटे पीसेस में कट करके। ये खजूर डाल दिए छोटे पीस में कट करके। अब है बनाना की बारी। एक केला छोटा सा लिया था हमने मीडियम साइज़, कट करके डाल दिया हुआ है। अब जो इसकी मेन चीज़ है जो मैं इसमें हमेशा डालता हूँ ओट्स में, वो हमारा पीनट बटर। पीनट बटर मैं डिसानो का यूज़ करता हूँ, 100% नेचुरल। रेडी अपनी मील जो हमारी प्री वर्कआउट मील होगी, उसमें हमारे डेट्स है वो भी आ गए, डेट्स, खजूर, बनाना और पीनट बटर। पूरी एक होती है ना परफेक्ट प्री वर्कआउट मील, जिसमें आपको फैट्स भी मिल रहा है अच्छा, कार्ब्स भी मिल रहा है, प्रोटीन भी मिल रहा है और कैल्शियम तो मिल ही रहा है। तो गाइस मील मैंने अपना बना दिया प्री वर्कआउट मील। मैं हमेशा वर्कआउट से 2-3 घंटे पहले मील बना के रख लेता हूं, ताकि जो ओट्स है वो एक तरह से सेट हो जाए पूरा दूध के अंदर, थोड़ा मतलब जो दूध है उसको सोख ले वो अच्छी तरह, फूल जाए वो अच्छी तरह, बोलते हैं ना सॉफ्ट हो जाए वो, वही मैं चाहता हूँ। क्योंकि अगर मैं उसी टाइम जब मतलब कि मैंने खाना होगा, अगर मैं उस टाइम बनाऊँगा तो ओट्स उतना ना एब्जॉर्ब नहीं कर पाते दूध को, तो उसमें वो खाने मज़ा आता नहीं है। इसलिए मैं सारा कुछ पहले डाल देता हूँ ओट्स में, सेट कर लेता हूँ, और इससे क्या होता है जो पीनट बटर है और जो डेट्स का फ्लेवर होता है वो अच्छी तरह ओट्स में मिल जाता है। तो इसलिए अब जब ओट्स खाएंगे मैं आपको बताऊँगा कि मैंने चीज़ें क्यों डाली हुई है। तब तक के लिए गुड बाय। हे गाइस वेलकम बैक। तो गाइस अभी टाइम हो गया मेरा प्री वर्कआउट मील लेने का, 4 बज चुके हैं और ऑलमोस्ट ओट्स ले रहा हूँ, तो ओट्स में हमेशा 1 घंटा पहले लेता हूँ, और अगर मैं ब्राउन ब्रेड या कुछ लेता हूँ तो वो अराउंड 40 मिनट्स पहले लेता हूँ मैं। तो जो मैंने ओट्स रखे थे, जिस जो मैं बोल रहा था कि वो किस तरह दिखेंगे और मैंने वो क्यों डाला, वो मैं आपको बताता हूँ। मेरे ओट्स अभी इस तरह कुछ दिख रहे हैं, ये इसी टेक्सचर की मैं बात कर रहा था कि मुझे ऐसा ही थोड़ा थिक टाइप टेक्सचर चाहिए मेरे को, पूरा दूध दूध नहीं चाहिए यार, बिल्कुल सूप सूप टाइप नहीं चाहिए मेरे को। तो आप देख सकते हो इसमें डेट्स भी अच्छी तरह मिल चुके हैं, थोड़ा ब्राउनिश फ्लेवर ब्राउनिश कलर हो गया दूध का, बनाना भी
का फ्लेवर मिल गया होगा और पीनट बटर का भी फ्लेवर मिल गया। डेढ़ सालने का एक रीज़न और था इसमें, ये मेरी प्री वर्कआउट मील में, कि अगर आपको, आप नहीं चाहते कि आप किसी चीनी या कोई शुगर इसमें डालें या कोई शुगर फ्री स्टीविया डालना आपको पसंद नहीं है, तो डेट्स इज़ द बेस्ट रिप्लेसमेंट। क्योंकि डेट्स है जो आपके पूरे, जो आपका, अगर आप उसको रख दोगे डेट्स को ओट्स में एक दो घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए, स्वीटनेस है उसी तरह मिक्स हो जाती है पूरे ओट मील में। और जब आप कोई बाइट लोगे जो आपको बीच में फ्लेवर आएगा, वो कोई वैसा फ्लेवर आपको ना चीनी या किसी और चीज़ से नहीं मिल सकता है। तो ये मेरा अपना कॉन्सेप्ट है, मैं मेरे को इसलिए पसंद है ऐसे ओट मील बनाना। अगर आप, अगर आपकी कोई और रेसिपी है, अगर आप को पता है कि आप ओट मील को और अच्छा कैसे बना सकते हो, तो कमेंट सेक्शन में बताना और ये भी ज़रूर ट्राई करना और फिर मुझे बताना। तो इसके बाद चलते हैं जिम। डूइंग सम कार्डियो, थोड़ा वार्म कर रहा हूँ। मैं आज बेंच कर रहा था अभी, तो मैंने बेंच बिना चौक यूज़ किया, हाथ पे किया। चौक इसलिए यूज़ करते हैं ताकि अच्छी ग्रिप बने रहे, स्लिप ना हो। तो मेरे से वही सीन हो गया, मैंने चौक यूज़ नहीं किया और हाथ मेरा आगे स्लिप होते 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 चले गया। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ अभी कि क्या हो गया। मैं दूसरे रैप के बाद मेरी ग्रिप बिल्कुल चेंज हो गई थी। लेकिन आप नोटिस करना कि पहले रैप में मेरी ग्रिप कहाँ पर थी और तीसरे रैप में मेरी ग्रिप कहाँ पर पहुँच गई थी। तो ऑलवेज़ यूज़ चौक। कट हो गया, मार्क्स दिख रहे होंगे आप, मज़ा आ गया। मगर आज का वीडियो, हमारा एक दोस्त भी चले गया पुणे, अब पता नहीं कब मिलेंगे। हो रहा था आज का वर्कआउट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।